दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। एसएससी रिक्रूटमेंट की जानकारी देख लेते हैं। 55,000 राइफलमैन और कांस्टेबल की भर्ती जल्दी होने वाली है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल टिप टॉप न्यूज हिंदी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन से सब्सक्राइब कीजिए और बाद में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इस न्यूज को हिंदी में पढ़ लेते हैं। अगर आपको भी न्यूज हिंदी में पढ़नी है तो हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी में नौकरी निकली है। पैरा मिलिट्री फोर्स में 55,000 राइफलमैन कांस्टेबल जवानों की बहाली भर्ती होगी। ssc.nic.in से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार पैरा मिलिट्री फोर्स में 55,000 जवानों की भर्ती करने जा रही है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में राइफलमैन और कांस्टेबल सिपाही के करीब 55,000 पदों के लिए निकलने वाली वैकेंसी की परीक्षा एसएससी आयोजित करेगा। आवेदन 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ssc.nic.in पर किए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार लोकसेवा चुनाव 2019 से पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में खाली राइफलमैन और कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए 55,000 जवानों की भर्ती करने जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग यानी के एसएससी के जरिए सीएपीएफ में जवानों की इस बम्पर भर्ती से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस यानी के आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल यानी के एसएसबी, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी के एसएफएफ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी के एनआईई और असम राइफल जैसे सुरक्षा बलों के जरिए देश की सेवा करने के लिए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्रीय सुरक्षा बलों में राइफलमैन और कांस्टेबल यानी सिपाहियों के करीब 54,000-55,000 पदों के लिए भर्ती करने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय बलों में जवानों की इस बम्पर भर्ती के लिए एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई से शुरू होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त होगी। जवानों की भर्ती में SC ST OBC आरक्षण केंद्रीय नौकरियों की तरह ही होगा। एसएससी द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में राइफलमैन और कांस्टेबल भर्ती के लिए याद रखने योग्य बातें भी है। भर्ती परीक्षा लेने वाली एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। 54,000-55,000 राइफलमैन और कांस्टेबल सिपाही की भर्ती होगी। मैंने आपको डेट बता ही दी है दोस्तों। इस पूरे पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में ही आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब इसकी नोटिफिकेशन रिलीज होगी तब। और ssconline.nic.in वेबसाइट से आप इस पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन करके। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।